भारत, जहां धर्म, आस्था और विश्वास का महत्व मानव जीवन की जड़ से जुड़ा है। हमारे देश में ऐसे बहुत से रहस्यमयी, अलौकिक प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनकी कहानियां पीढ़ियों से सुनी और सुनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी भगवान शिव का एक ऐसा प्राचीन रहस्यमयी मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हजारों वर्षों पहले भूतों ने रातों रात किया था। इसी कारण इस मंदिर का नाम भूतेश्वर महादेव पड़ा। कानपुर के आवास विकास के हसनपुर क्षेत्र में भगवान महादेव का यह प्राचीन मंदिर स्थित, जिसके दर्शन आपको कराते हैं। इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर में मुगल बादशाह औरंगजेब ने तोड़फोड़ की थी। वहीं भूतेश्वर महादेव मंदिर में दो सुरंगें भी थीं, जिसमें से एक रावतपुर क्षेत्र में और दूसरी बिठूर क्षेत्र में खुलती थी। रावतपुर की रानी रौतेला इन्हीं सुरंगों से भूतेश्वर महादेव की पूजा करने यहां आती थी। कहते हैं कि रानी रौतेला बहुत सुंदर थी, उन्हें कोई और देख न सके, इसलिए रावतपुर के राजा ने रानी के लिए दो सुरंगों का निर्माण कराया था। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ उन सुरंगों के निशान भी मिट चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का संबंध भगवान श्री राम के वक्त से है। भगवान राम ने जब सीता माता का परित्याग कर दिया था, तब सीता माता लव और कुश के साथ बिठूर में रहती थी और प्रतिदिन भगवान भूतेश्वर महादेव की पूजा के लिए यहां आती थी।
बाबा जमाने से है सर, पुरखों से चली आई है। अभी बाबा के शरण में हम लोग लगे। भूतों द्वारा इस मंदिर के निर्माण को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि आधी रात यहां घंटे बजने की आवाज भी सुनाई देती पर दिखाई कोई नहीं देता। वहीं लोगों का विश्वास है कि भूतेश्वर बाबा किसी की भी मनोकामना को खाली
नहीं जाने देते। सभी भक्त बाबा के दरबार से प्रसन्न होकर जाते हैं और मनोकामना पूरी होने पर पीतल के घंटे चढ़ाते हैं। बाबा भूतेश्वर महादेव के इस धाम में बहुत दूर दूर से भक्त यहां दर्शनों को आते हैं। ये दुकान लग रही है सनी नाले से दुकान लग रही है। मेरे पिताजी पहले बैठते थे यहाँ पे, तो पिताजी अब उस समय घर पर रहते हैं, वो दुकान हम लगा। बाबा के दरबार में एक तो बाबा सच्चे दरबार है, बाबा के जो सुनता है वो थोड़ा भक्त चला चलो एक बार हम भी चलेंगे एक बार बाबा के दरबार हम भी चलेंगे। तो फर्क का बाद बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, जो सुनता है वो बहुत लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। वही रहते हैं, कोई कैसे परेशान, कोई एक्सीडेंट किसी का हो गया, कोई ऐसा हो गया, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी मुकदमा चल रहा है, कुछ ऐसे बैठे होते हैं, बाबा उनका व्यवहार करते हैं। हमारे भूतेश्वर मंदिर धाम की ये खासियत है कि हमारे जो बाबा शिव जी हैं, जो शिवलिंग है हमारे, शिव जी पार्वती की कंबाइंड है, मुझे पार्वती जी मुख है और शिव जी का मुख है। बहुत ज्यादा आस्था है यहाँ, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ, इतना सच्चा दरबार है, जो आप मांगेंगे आपके यहाँ बस सुनने का। यहाँ पर शिव तांडव वगैरह होते हैं, भंडारे होते हैं, लोगों के मुंडन होते हैं, शादी ब्याह लड़की लड़के दिखाए जाते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा मंदिर पसंद है। Oh.